भाजपा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब उसके हिस्से में विधान परिषद की सबसे अधिक सीटें एक साथ आ सकती हैं। व्हिप में अभी 17 सीटें खाली हैं। सुशील मोदी का राज्यसभा जाना तय हो चुका है। इसके बाद व्हिप में खाली सीटों की संख्या 18 हो जाएगी। इन सीटों में 8 सीटें भाजपा कोटे में आ सकती हैं। भाजपा के खाते में आने वाली 8 सीटों में मनोयन कोटे की 12 में 6 तो विधानसभा कोटे की 2 सीटें हैं। एक साथ इतनी संख्या में विधान पार्षद का कोटा मिलने की संभावना को मद्देनजर पार्टी ने उन नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह है जो वर्षों से पार्टी की सेवा में लगे हैं। वैसे लोग भी ऊपरी सदन में जाने की आस संजोए हैं, जिन्हें इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, पर वे दूसरे नेताओं की तरह बगावत करने के बजाय दल के साथ निष्ठापूर्वक जुड़े रहे। अब तक विधान परिषद के कोटे में भाजपा को अधिकतम मनोनयन कोटे में 5 सीटें ही मिली हैं। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भाजपा के खाते में मनोनयन कोटे की 12 में से आधी यानी 6 सीटें मिल सकती हैं। मनोनयन कोटे को लेकर एनडीए में 2 फॉर्मूले पर काम हो रहा है। एक यह कि भाजपा जदयू बराबर यानी 6-6 सीट ले और दोनों अपने अपने खाते में से हम और वीआईपी को एक एक सीट दे, क्योंकि हम के कोटे से एक मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में दूसरा फॉर्मूला यह भी हो सकता है कि भाजपा और जदयू 6-6 ले और भाजपा अपने हिस्से में से वीआईपी को एक सीट दे। वैसे एनडीए के शीर्ष नेताओं की बातचीत के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय होगा।